उत्तराखंड के कालाझुंगी की, जहां पर अपनी मांगों की अनदेखी होने पर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसके चलते प्रदेश अध्यक्ष लगातार प्रदेश के ब्लॉकों में जाकर गल्ला विक्रेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रेबाधर ब्रजवासिनी कालाढूंगी और रामनगर ब्लॉक में जाकर गल्ला विक्रेताओं की साथ बैठक ली है, जिसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल को सफल बनाने की बात कही गई। वहीं पूर्व के लंबित भुगतानों का जल्द ही निराकरण करने की बात कही गई है। वर्तमान समय में गल्ला विक्रेताओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते देशव्यापी हड़ताल करने का फैसला राष्ट्रीय संगठन ने किया है। कालाढूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। व्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है 1 जनवरी 2024 से। यह हड़ताल पूरे देश में होनी है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मानदेय के लिए हमारे सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता मांग कर रहे हैं। मानदेय न्यूनतम आय गारंटी के लिए हमारे विक्रेताओं द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा उस पर कोई विचार अभी तक नहीं किया गया है और न ही कभी विक्रेताओं की सुनी गई है। और कोरोना काल के दौरान हमारे विक्रेताओं द्वारा अपने परिवारों की, अपनी जान की जोखिम में डाल करके, जब लोग अपने लोगों के ही दिवंगत हो जाने पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे थे, ऐसी महामारी के दौरान हमारे विक्रेताओं द्वारा राशन जनता तक पहुंचाया गया था, लेकिन उसका कोई पारितोषित मिलना तो दूर, हमारे विक्रेताओं का उस कोरोना काल में वितरित किए गए राशन का लाभांश और भाड़े का पैसा भी अभी तक